तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि आप घर पर ही अपनी थ्रेडिंग को कैसे शेप दे सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मेरी जो थ्रेडिंग है, मैंने लास्ट 5 मंथ से अपनी थ्रेडिंग नहीं बनवाई है, बिकॉज लॉकडाउन चल रहा था तो मैं पार्लर नहीं गई हूं। तो मेरी जो थ्रेडिंग है उसकी बहुत ज्यादा ग्रोथ आ चुकी है। तो अब मैं यहां पर आज आप लोगों को बताने वाली हूं कि आप लोग घर पे ही थ्रेडिंग कैसे बना सकते हैं, कैसे उसको शेप दे सकते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमें अचानक किसी शादी या पार्टी में जाना पड़ता है और हमारे पास टाइम नहीं होता है कि हम पार्लर जा पाएं। तो ऐसे में आप लोग घर पे ही अपनी थ्रेडिंग को शेप दे सकते हैं और जो थ्रेडिंग है उसको अच्छे से बना सकते हैं बहुत ही इजी वे में। तो यहाँ पे मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आप लोगों को पसंद आए, और ज्यादा से ज्यादा मेरे इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी जो थ्रेडिंग है बहुत ज्यादा आ चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा इसकी ग्रोथ है। तो यहाँ पर अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ आज बहुत ही इजी वे में कि आप थ्रेडिंग घर पे कैसे बना सकते हैं। या तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी पुली की। इस तरीके की एक पुली आप ले लें जो कि आईब्रो पेंसिल होती है, उसके साथ आपको मिल जाती है। उसके बाद आपको चाहिए होगा एक प्लकर या ट्वीजर, आप इसे बोल सकते हैं। और उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी एक सीजर की। तो बस इन्हीं तीनों चीज़ों से आप अपनी थ्रेडिंग को घर पर ही बना पाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर पुली की हेल्प से मैं अपने थ्रेडिंग के जितने भी एक्स्ट्रा हेयर्स होंगे इनको ऊपर साइड ऊपर की तरफ कर लूँगी, जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा हेयर होंगे मुझे पता चलेंगे और जिसकी हेल्प से मैं इन जो एक्स्ट्रा हेयर्स होंगे इनको निकाल पाऊंगी। तो आप देख सकते हैं मैं इनको पूरे जो एक्स्ट्रा हेयर होते हैं हमारे ऊपर की तरफ, इनको मैं ऊपर की तरफ सेट कर रही हूँ ताकि ये मुझे पता चल जाए कि कौन कौन से कितने एक्स्ट्रा हेयर हैं, ताकि मैं इनको कट कर पाऊँ। तो अब यहाँ पर सीजर की हेल्प से मैं इनको कट कर रही हूँ। मैं बहुत ही ध्यान से इनको कट करूँगी ताकि कोई भी एक्स्ट्रा हेयर ना कट जाए या थोड़ा सा कोई छोटा ना हो जाए, जिससे कि शेप ख़राब होने के चांसेस हो सकते हैं। बट इसको थोड़ा सा आपको स्लोली करना है, थोड़ा सा ध्यान से करना है, जिससे कि आपका जो शेप है वो प्रॉपर बनी रहे। तो आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा कट किया है अपने राइट जो आईब्रो है उसको, थोड़ा सा ऊपर से एक्स्ट्रा हेयर को कट किया। अब मैं जो लेफ्ट मेरी ब्रोज है उनको मैं थोड़ा सा यहाँ से भी सीजर की हेल्प से कट कर लूँगी, और बहुत ही ध्यान से आपको इसको करना है। बट आप इसको घर में ईजिली कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे, बहुत ही ईजी है। थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा इस पर। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे जो एक्स्ट्रा हेयर थे वो कट हो चुके हैं सीजर की हेल्प से। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो नीचे जो बहुत ही छोटे छोटे जो हेयर होते हैं, एक्स्ट्रा हेयर होते हैं, इनको भी हमें यहाँ से रिमूव करना है ताकि हमारे जो आईब्रो है वो, उसकी जो शेप है वो क्लीन लगे। तो यहाँ पे अब इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी ट्वीज़र की, प्लकर की। तो इस तरीके का ट्वीज़र आप ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, और इसका जो प्राइस है वो 100 रुपीज़ में मिल जाता है। तो इस तरीके का मेरे पास भी ये ट्वीज़र था। तो यहाँ पे अब मैं ट्वीज़र की हेल्प से बहुत ही ईजिली ये जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, अंडर स्किन हेयर होते हैं, ये निकल जाते हैं, ईजिली रिमूव हो जाते हैं। और अगर आप पार्लर जाते हैं तो पार्लर में जो थ्रेडिंग होती है उससे में बहुत ज़्यादा पेन होता है, बट ये बिल्कुल भी इसमें पेन नहीं होता है, पेन लेस होता है। इस तरीके से आप जो अंडर स्किन या बहुत ही छोटे हेयर होते हैं उनको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं इस तरीके से। तो अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं इनको रिमूव कर रही हूँ। बहुत ही हल्के हाथों से आपको इनको रिमूव करना है और स्लोली आपको करना है, जिससे कि जितने भी एक्स्ट्रा हेयर होंगे आप निकाल पाएंगे। तो इस तरीके से मैं इनको यहाँ पे रिमूव करती जा रही हूँ। आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ भी मुझे लग रहा है कि वो एक्स्ट्रा हेयर हैं और मेरी शेप से बाहर हैं, जो मेरी शेप है आईब्रोज़ की उससे बाहर हैं, तो उन सबको मैं रिमूव कर रही हूँ यहाँ पे। जितने मेरे से हो पाएंगे उतना ही मैं करूँगी। मैं एक्स्ट्रा कुछ अपनी जो मेरी शेप है उसको ज़्यादा उसमें चेंजेस कुछ नहीं करूँगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बहुत ही छोटे छोटे हेयर हैं, क्योंकि मैंने लास्ट 5 मंथ से थ्रेडिंग नहीं बनवाई है बिकॉज लॉकडाउन चल रहा था। इसी तरीके से आपको भी प्लकर की हेल्प से जो बहुत ही छोटे छोटे हेयर होते हैं, अंडर स्किन हेयर होते हैं, उनको आप रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक जो एक्स्ट्रा हेयर थे वो निकल चुके हैं, रिमूव हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं मेरी जो ब्रोज हैं वो काफ़ी क्लीन लग रही हैं, काफ़ी शेप में लग रही हैं। तो काफ़ी हद तक मैंने प्लकर की हेल्प से जितने भी एक्स्ट्रा हेयर थे उनको निकाल दिया है।
तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना क्लीन लग रहा है। और यहाँ पे भी जो बीच में थोड़े बहुत हेयर थे, बहुत ज़्यादा हेयर नहीं थे दोनों आईब्रोज के गैप में बीच में, तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा हेयर नहीं रिमूव किए क्योंकि यहाँ पे थे नहीं ज़्यादा हेयर। तो अब मैं यहाँ पुली की हेल्प से इसको एक बार सेट कर दूंगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पुली की हेल्प से मैंने इसको सेट किया है। तो अब यहाँ पे जो लेफ्ट ब्रोज है वहाँ पे भी मैं इसी तरीके से जितने भी एक्स्ट्रा हेयर हैं उनको निकाल लूँगी, और प्लकर की हेल्प से यहाँ पे भी जितने भी मुझे एक्स्ट्रा लग रहे हैं मैं निकाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा मैं शेप को नहीं छेड़ूंगी, बस मैं थोड़ा सा जितने भी एक्स्ट्रा हेयर मुझे लग रहे हैं शेप से बाहर लग रहे हैं आईब्रोज की शेप से, तो उनको भी मैं रिमूव कर दूँगी। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से करना है और थोड़ा सा हल्के हाथों से आपको इसको करना है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी एक्स्ट्रा हेयर थे मैंने यहाँ पे ब्रश की हेल्प से रिमूव कर लिए हैं, और पुली की हेल्प से अब मैं यहाँ पे आपको इसको सेट करके दिखाऊंगी। तो अब आपको काफ़ी डिफरेंस लग रहा होगा कितनी मेरी थ्रेडिंग बहुत ज़्यादा आ गई थी, और अब आप देख सकते हैं कितनी ईजिली और कितने कम टाइम में मैंने घर पर ही अपनी जो मेरी थ्रेडिंग्स हैं इनको ग्रूम किया है, पूरा शेप इनको दिया है काफ़ी अच्छे से। तो इसी तरीके से आप भी घर पर अपनी थ्रेडिंग बना सकते हैं, अपने आईब्रोज को शेप दे सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, और अपने कमेंट्स करके मुझे जरूर बताएं कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।